नमस्कार, मैं हूं पुनीत मल्होत्रा और आज मैं बात करने आया हूं ज़िला के जनजातीय मोर्चा के ज़िलाध्यक्ष श्री सीएल ठाकुर जी के साथ। तो ठाकुर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है चंबा हलचल पर। ठाकुर साहब, जैसे कि लोकसभा चुनाव जो है आने वाले हैं और उसको लेकर मिशन जो है 400 प्लस सीट्स भाजपा जो दावा कर रही है, ज़िला में किस तरह की तैयारियाँ हैं? नमस्कार, सबसे पहले तो मैं आप चंबा हलचल का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ कि आप समय समय पर भारतीय जनता पार्टी की हर कार्यक्रम को कवरेज करते हैं और अपने चैनल के द्वारा हमारे दर्शकों को दिखाते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपने भारतीय जनता पार्टी की मिशन 400 पार के बारे में जो क्वेश्चन पूछा, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उन तैयारियों को लेकर के उस दिन से ही ग्राउंड में है जिस दिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर का जो निर्माण शुरू कराया और देश में 370 धारा को हटाया। ये ऐसे मुद्दे थे जो कि कभी विपक्ष कहता था कि ये कभी हो ही नहीं सकते हैं। और लोगों के जन भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ ये मुद्दे थे। तो आपने देखा जिस प्रकार से भव्य राम मंदिर बनकर के तैयार हुआ और जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम वहाँ पर आयोजित किया गया तो लाखों करोड़ों जो हिंदुओं की आस्था का प्रतीक और सनातनियों के धर्म का प्रतीक वहाँ पर जो है इस भव्य मंदिर को देखने के लिए सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक संख्या में जा रहे हैं। और केवल एक ही धर्म के लोग नहीं, अन्य धर्मों के लोग भी जो कि इस बात से बिल्कुल जानकारी रखते हैं कि प्रभु राम जो है हमारे ईष्ट हैं और वो सदियों से हिंदुओं की आस्था का प्रतीक पिछले 500 साल के संघर्ष के बाद जब राम मंदिर, प्रभु राम जो है उनका भव्य मंदिर, वो 500 साल तक टेंट में रहे। वनवास तो उनको 14 साल का ही हुआ था लेकिन 500 वर्षों तक वो टेंट में रहे, ऐसी देश में एक निकम्मी सरकार की वजह से जिसमें उन्होंने 25-25 वकीलों की लाइन जो है ये सिद्ध करने में लगा रखी थी कि भगवान राम है ही नहीं, वो तो अस्थाई है। लेकिन वो तो प्रभु स्वयं जानते हैं कि किस वक्त कब आना था। तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से ये शुभ कार्य होना था, तो जो जिसमें करोड़ों हमारे सनातनों की धर्म आस्था के प्रतीक, तो उस दिन से ही आप देख रहे हैं पूरे देश भर में कि किस तरह का माहौल है। ऐसे जन जागरण, जन पूरा जन जन उठा हुआ और अब तो जो जबरदस्ती जिनको कांग्रेस अभी जिसको बोलते हैं कि एक ठगबंधन बनाया हुआ था, वो मोदी जी के एक ऐसी आंधी में ऐसा उड़ गया कि पता नहीं चल रहा उनको कौन कहाँ गिरा, कौन कहाँ गिरा। और जो बचे हुए हैं वो अपने आप को संभालने में लगे हुए हैं कि कब कहाँ हमारा कौन चला जाएगा। अभी प्रदेश में जो हालात हैं, अभी राज्यसभा के चुनाव हुए, हर्ष महाजन जी है वो चुनाव जीते, परंतु उस पर जो ये कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भाजपा ने जो है विधायकों की खरीद फरोख्त के करके जो है इस छल से ये चुनाव जीता है और सरकार जो है वो अब अनस्टेबल जैसी है, तो उस सिचुएशन को लेकर आप क्या बोलना चाह रहे हैं कि क्या वाकई भाजपा के जो नेताओं ने है, कांग्रेस जो प्रदेश में सरकार है उनके विधायकों को खरीद फरोख्त की है, या इस तरह के इल्ज़ाम जो लग रहे हैं उस पर क्या कहना चाहिए? देखो, सबसे पहले तो हर्ष महाजन जी को जय श्री राम। पूरी चंबा की ही जनता नहीं, पूरे प्रदेश की जनता, जन जन और हमारे भारतीय जनता पार्टी के 25 विधायक, 3 निर्दलीय प्लस 6 वो योद्धा, उनको हम योद्धा बोल सकते हैं, सदियों तक जब जब तक भी इस चीज़ को याद किया जाएगा कि हमारे चंबा से पहली बार किसी को मान सम्मान मिला और राज्यसभा का सांसद चुना गया, उसमें उन 6 योद्धाओं का भी जिक्र हमेशा होगा जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में हर्ष महाजन जी को वोट किया। और कोई इसमें खरीद फरोख्त का सवाल नहीं था। प्रदेश सरकार को देखना चाहिए, कांग्रेस को देखना चाहिए कि एक दिल्ली राजस्थान से व्यक्ति को उठा करके हिमाचल में लाते हैं, क्या कांग्रेस में उससे पहले कोई व्यक्ति नहीं था? क्या कांग्रेस में इतने दिग्गज पड़े हुए हैं? इनके कौल सिंह ठाकुर है, आशा रानी है, ठाकुर सिंह भरमौरी है, ऐसे हमारे बहुत सारे कांग्रेस में नेता थे, क्या उनको ये नहीं बना सकते थे? इनको क्या जरूरत पड़ गई कि राजस्थान से व्यक्ति ला करके हिमाचल से उसको राज्यसभा में भेजना इनकी मजबूरी बन गई? तो किसी प्रकार का भी खरीद फरोख्त का कार्य नहीं थे। जो उन्होंने उनका दिल किया,
जो उन्होंने सच्चे मन से ये समझा कि हम हिमाचली है, हम देवभूमि के निवासी है, हमने ऊपर प्रभु राम को भी जवाब देना है कि उनकी अपनी आत्मा की आवाज़ उन्होंने सुनी, अंतरात्मा की उनकी आवाज़ थी कि हमने जो है हर्ष महाजन को इसलिए चुनना है कि उन्होंने पार्टी या कांग्रेस या बीजेपी को नहीं देखा। लेकिन उससे पहले अगर और आप गहराई में जाएं तो हर्ष महाजन जी हमारे 40 साल कांग्रेस में रहे, तो क्या उन कांग्रेसियों को ये नहीं लगा कि हमारे ही बीच के व्यक्ति है, हमारे अपने हिमाचल का व्यक्ति है, हमारे चंबा के व्यक्ति है, हम उसको क्यों ना चुने? वो एक प्रदेशी व्यक्ति को चुन करके उसने क्या हिमाचल का भला करना है? तो उनका जो उनकी जो आवाज़ थी, उन्होंने अपने मन की आवाज़ इसलिए सुनी कि हर्ष महाजन ही एक ऐसे व्यक्ति है जो कि हिमाचल की बात हमारे संसद में रखेंगे। और चंबा के लिए तो ये बहुत ही खुशी की बात है, हमें 70 सालों में पहली बार चंबा से राज्यसभा का सफ़र करने का मौका मिला है, उसके लिए पूरे चंबा की जनता हर्ष महाजन जी को बधाई देती है और स्वयं हमारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चंबा की समस्त जनता को इसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत उनको बधाई। जिस तरह से अभी स्टेट में पॉलिटिक्स हो रही है, सुक्कू सरकार जो अनस्टेबल हो दिख रही है ना जी, तो उस सिनेरियो को लेकर आप क्या देखते हैं, मीडिया में जो खबरें आ रही हैं, तो क्या आपको लगता है कि सरकार जो है कांग्रेस सरकार चल पाएगी? ऐसा है मल्होत्रा साहब, देखो कांग्रेस ने छल से सरकार बनाई है, भारतीय जनता पार्टी को मात्र 0.9% वोट से हम हारे हैं, उसको हम हार नहीं बोल सकते हैं, वो कुछ ऐसे भी बीच में चीज़ें थी जिसके वजह से ऐसा हो पाया, अदरवाइज ऐसा मौका नहीं मिलना था। तो कांग्रेस की जो अब स्थिति ऐसी रह गई कि झूठ ज़्यादा देर तक नहीं चलता, झूठ की कोई उम्र नहीं होती है, और कांग्रेस ने ऐसी झूठी 10 गारंटियाँ दे करके पूरे प्रदेश को शर्मसार किया है, हमारी माताओं बहनों के साथ छल किया हुआ, गाय माता को तो नहीं छोड़ा, 1 लाख युवाओं को रोजगार देने के लिए उन्होंने वादा किया था कि हम पहली कैबिनेट में 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, आज तक 1 युवा को रोजगार नहीं दे पाए वो। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम जो है 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, जो हमारे पिछली सरकार भारतीय जनता पार्टी की जयराम ठाकुर जी की सरकार में 125 यूनिट बिजली फ्री मिल रही थी, वो भी उन्होंने बंद कर दी। आज गरीब आदमी घर में 6-6 हज़ार 5-5 हज़ार की बिल आ रहे हैं, मीटर नहीं लग रहे हैं लोगों के घरों में, बिजली के मीटर बंद है। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम जो है 1500 एक महिला को देंगे, अगर एक घर में 6 महिलाएँ हैं तो 9 हज़ार उनके खाते में आएगा हर महीने का, आज तक किसी को 1 रुपया नहीं आया। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम 2 रुपये गोबर खरीदेंगे, 100 रुपये किलो हम दूध खरीदेंगे, तो लोगों ने ढेर लगा दिए गोबर के कि चलो अब तो खरीदेंगे, आज तक उन्होंने नहीं खरीदा। तो ऐसी बहुत सारी उन्होंने जो झूठे वादे किए, जिन वादों के दम पर अब वो एक झूठे ही साबित हो गए। इवन कि हमारे अपने कई मित्र हैं जो कांग्रेस में चले गए, कई मतलब कांग्रेसी हमारे मित्र हैं, वो खुद बोल रहे हैं कि एक किसी तरह से सरकार उड़ जाए। और अब तो स्थिति ऐसी बन गई है कि जैसे एक तानाशाह होता है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कभी ये बोलते थे तानाशाह, उन्होंने आज सिद्ध कर दिया कि पूरे विश्व में वो आज विजेता है, पूरे विश्व उनको अपना नेता मानता है। हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है, इस जन्म में भगवान प्रभु राम का उन्होंने मंदिर बना दिया, हमारे लिए तो वही प्रभु राम है। और जिस प्रकार से ये स्थिति बन रही है, ये सरकार ज़्यादा देर चलने वाली नहीं है, आज कल परसों कभी भी आप सुबह उठ करके आपकी हेडलाइन होगी कि सुक्कू सरकार चली गई, क्योंकि ये सुख की सरकार नहीं है, दुख की सरकार है, सबको दुखी कर दिया। कोई भी इन्होंने अपना जो मैनिफेस्टो में 10 बातें लिखी थी, एक भी ये पूरी नहीं कर सके। 14 महीने में 15 करोड़ रुपए का ये लोन ले चुके हैं, अब बताइए उस लोन से इन्होंने किया क्या है, किसके घर भरे हैं, किसको दे रहे हैं वो पैसा? हमारे चंबा की बात करो, चंबा विधानसभा की बात करो, हमारे जो विधायक है सीधे साधे आदमी है, वहाँ यहाँ से डिमांडें लेके जाते हैं, वो ऐसे रद्दी में फेंक देते हैं। जब एक विधायक वहाँ पर कोई अपना कंस्टिट्यूंसी का काम लेके जाता है, तो उसके मंत्री के पास भेजा जाता है, उसको मंत्री के बाद वो सेक्रेटरी के पास जाता है, तो सेक्रेटरी जो है आज बैठे हुए हैं वहाँ पर, वो भी उनकी फाइल को ऐसे फेंक देते हैं, क्योंकि पीछे से फ़ोन हो जाता है, खबरदारी का काम नहीं करना है। काम कैसे नहीं करना है, क्योंकि भाई पैसे नहीं है। तो स्टेट का बजट तो मल्होत्रा जी हर स्टेट का अपना होता है, वो कहाँ पर गया हुआ? जब एक भी युवा को आपने रोजगार नहीं देने, हमारा जो सब ऑर्डिनेट था बोर्ड धर्म हमीरपुर में, उसको उन्होंने बंद कर दिया, लाखों बच्चों का रिजल्ट रोक रखा, और इतनी बेरोजगारी, इतना कुछ किसी के काम नहीं लग रहे हैं, जो गरीब व्यक्ति छोटा मोटा अपना काम करते थे उनका कोई काम नहीं चल रहा। इंडस्ट्री देख लो आप, हमारे जयराम ठाकुर जी ने
स्वावलंबन योजना बनाई थी युवाओं के लिए और लाखों युवाओं को उससे लाभ मिल रहा था। कोई होम स्टे खोल रहा था, कोई अन्य अपना इंडस्ट्री लगा रहा था, इन्होंने वो भी बंद कर दिया। उसमें दो तीन इन्होंने ट्रेड रखे हैं जिसमें जी एक टैक्सी ले लो, एक डेंटिस्ट की दुकान खोलो, बाकी कोई बजट उसमें इंडस्ट्री में इस नाम से नहीं आ रहा। तो सुक्खू सरकार का जाना तय है। जिस तरह से अब हमारे जो कांग्रेस के विक्रमादित्य जी हैं, राजा साहब के नाम से इन्होंने चुनाव लड़ा, तो राजा साहब को जिस तरह से हम सोशल मीडिया में सुन रहे हैं, राजा साहब के बेटे के मुंह से सुना कि दो गज जमीन देने की सुक्खू का दिल नहीं है, तो ये कैसे करके चलेगा सुक्खू? और विधायकों के ऊपर इतनी कड़ी और रख रही कि जैसे कि एक स्कूल में प्रिंसिपल होता है वो डांटता जैसे बच्चों को, वैसे करके डाल रहा है। वो भी एक विधायक है, विधायक इंडिपेंडेंट अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी चुन करके आया हुआ, जब वो चुन करके विधायक को ही वो विधायक नहीं मान रहे हैं, उनकी सैलरी रोक रहे हैं, उनके जो विधानसभा का बजट रोक रहे हैं, तो हिमाचल कैसे आगे बढ़ेगा? ये सरकार ज़्यादा देर तक चलने वाली नहीं है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के क्या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी बोलता हूँ कि आप जो है सुनिश्चित रहिए, और भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी सरकार है जो कि युवाओं को रोजगार भी देगी और अन्य जो रुके हुए काम है हमारे वो भी। 1500 संस्थान हमारे बंद कर रखे हैं इसने, आते ही सबसे पहले क्या किया, 1500 संस्थान बंद कर दिए। आपने देखा हमारे चंबा में 100 में यहाँ जो है सब तहसील खुली हुई थी, चुरा में हमारे इलेक्ट्रिसिटी का डिवीज़न खुला हुआ था, IPH का डिवीज़न खुला था, और सैकड़ों स्कूल थे, दूर दराज के क्षेत्र थे जहाँ पर वो स्कूल मतलब कि 4-4 किलोमीटर भी प्राइमरी वाले बच्चों को भी चल के जाना पड़ता है, वहाँ पर उन्होंने वो बंद कर दिए। तो ये चलाना क्या चाहते हैं? हमें तो लोगों को यही अब समझ नहीं आ रहा कि प्रदेश सरकार चलाना क्या चाहती है। जब आपने सब कुछ बंद कर दिया, उसके बाद अब 15,000 करोड़ लोन ले चुके हैं, वो किसके लिए ले रहे हैं आप, उससे आप कर क्या रहे हैं? तो आज जो स्थिति बनी हुई है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनने जा रही है बहुत जल्दी बनेगी, तो लोगों का अब विश्वास आ गया कि कांग्रेस की चाह रहे हैं और कांग्रेस के विधायक भी चाह रहे हैं कि हम ज़्यादा देर तक ये जिले तो झेल नहीं पाएंगे, हम एक अच्छी पार्टी के साथ जाएंगे जिससे कि जिन लोगों ने हमें चुन के भेजा है उनका सर्वांगीण विकास कर सकें। लोकसभा चुनावों को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में एक उत्साह है, देखा जा रहा है, कार्यक्रम भी हो रहे हैं कई जगह, तो उसको लेकर आपके पास क्या ड्यूटीज़ हैं और क्या किस तरह से जो है लोकसभा चुनावों की तैयारियाँ की जा रही हैं? देखो, भारतीय जनता पार्टी का मैं एक छोटा सा सिपाही हूँ। हमें भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा का जो कार्य मिला हुआ, ऐसे हमारे सभी मोर्चों को कार्य मिले हुए हैं, चाहे युवा मोर्चा है, किसान मोर्चा है, ST मोर्चा है, OBC मोर्चा, महिला मोर्चा है, सभी के हम 5,000 लोगों के कार्यक्रम जो है हो रहे हैं, जिसमें महाजनसंपर्क अभियान अभी भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा द्वारा चलाया गया है। अभी हाल ही में आपने देखा हमारे जिला स्तर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अब हम जो मोदी जी की ये गारंटियां हैं, जो गारंटियां मोदी जी ने दी हुई है उनको लेकर के और जिनको पूरा भी किया है उनको लेकर के हम जन जन तक जा रहे हैं, बूथ स्तर पर जा रहे हैं, और वहां पर हम बता रहे हैं कि हमारे आदिवासी समाज के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 सालों में क्या किया, और वो जो उपलब्धियाँ, हम इतने भाग्यशाली हैं कि पिछले 70 सालों में हमारे आदिवासी समाज को किसी भी देश के प्रधानमंत्री ने नहीं पूछा। आज हमारे देश में अनुसूचित जनजाति के ही महिला भारत के राष्ट्रपति है, तो ये एक सम्राट हृदय स्वरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है कि किस प्रकार से हम आदिवासियों समाज को आगे लाएं। इसी प्रकार से हमारे बिरसा मुंडा जी, जो अंग्रेजों से जिन्होंने 3-4 बार लड़ाइयाँ लड़ी और अपने आदिवासी समाज को बचाने के लिए, जिसमें उनका था जल जीवन और ज़मीन, ये मिशन था, जो आज हमारे लोगों के पास ज़मीनें हैं, वो चाहे शहर है चाहे गांव है, तो वो सारे के सारे जो है आदिवासियों की वजह से है, और आदिवासियों ने उनको संजो कर रखा, और उसमें हमारे बिरसा मुंडा जी जिनको आज तक किसी भी सरकार ने सम्मान नहीं दिया। प्रधानमंत्री हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में पूरे देश भर में मनाने का आह्वान किया, और तब से जो है आदिवासी समाज को, जो हमारे बिरसा मुंडा जी आदिवासियों का भगवान भी कहा जाता जी ने, उनके सम्मान में 15 नवंबर को जो है आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता। इसी प्रकार से 65 लाख से अधिक घर हमारे अभी जो इन 10 सालों में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जो आवास योजना है उसके तहत पूरे देश में जो 3 करोड़ से अधिक घर दिए गए हैं गरीबों को, उसमें हमारे जो आदिवासी को भी 65 लाख से अधिक घर दिए गए हैं।
वो भी हम लोगों को बीच में लेके जा रहे हैं, जो इसमें हमारे लाभार्थी है जिनको ये चीज़ें मिली हैं उन्हें भी हम बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश के तीसरी बार यशस्वी प्रधानमंत्री बनाने के लिए वो कितने उत्साहित है। इसी प्रकार से किसान सम्मान निधि है जो कि अभी 16वीं किस्त जो है पड़ गई है, जिसमें 2000 रुपये किसानों को मिल रहा है। इसी प्रकार विश्वकर्मा योजना अभी प्रधानमंत्री जी ने शुरू की है, जिसमें 18 प्रकार के जो हमारे लघु उद्योग चलाते हैं, चाहे वो जूते बनाने वाला है, चाहे वो खड्डी चलाने वाला है, दर्जी है, ऐसे इन लोगों को एक मान सम्मान देने के लिए, जिसमें कि हर ये 15 दिन की एक ट्रेनिंग होगी, जिसमें 500 रुपये पर डे उनको मिलेगा भी और खाना पीना भी मिलेगा साथ में। जब वो सीख जाएंगे तो उनको 15,000 रुपये की एक जो आधुनिक किट दी जाएगी, जिससे वो अपना काम करते हैं, चाहे वो मिस्त्री है। तो उसी प्रकार से जब वो आगे बढ़ना चाहते हैं, अपना उसी काम को, कारोबार को आगे करना चाहते हैं, उसके लिए पहली बार में 1,00,000 रुपये, दूसरी बार में 2,00,000, 3,00,000 रुपये तक का प्रावधान किया बिना किसी ब्याज से। तो ऐसा सिर्फ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है जो गरीबों के लिए सोच सकते हैं। तो ऐसी इस तरह की बहुत सारी योजनाएं जिनको लेकर के हम हर एक बूथ पे जा रहे हैं और सम्मेलन कर रहे हैं, और ये सम्मेलन हमारे सक्सेसफुल हो रहे हैं। लोगों में बहुत जोश है, और ख़ासकर जो एक कांग्रेसी खेमा था जिनको बोलते थे कि हमारे बाप दादे थे कट्टर कांग्रेसी, हम कभी नहीं आएंगे, वो सबसे पहले आ रहे हैं। और आप देख रहे हैं अभी बहुत ज़्यादा ज्वाइनिंग जो है भारतीय जनता पार्टी में हो रही है। हमें पूर्ण विश्वास है कि जो हमारे चंबा विधानसभा क्षेत्र में और पूरे ज़िला में पिछले बार 28,000 से लीड थी हमारे सांसद की, और इस बार कम से कम हमारे 35,000 से भी अधिक लीड से हम यहाँ से लीड दिलाएंगे। और हर बूथ पर हमारे कार्यकर्ता सजग है और बड़े उत्साह है। मैं खुद जा रहा हूँ, बूथ बूथ पर जा रहा हूँ, चाहे मैं चुरा गया, भटियात गया, भरमौर गया, चंबा, तो लोगों में एक उत्साह है। खुद हम प्रोग्राम करते हैं जैसे थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है, क्योंकि उसमें हम ये नहीं पूछते कांग्रेस में थे बीजेपी में थे, लेकिन प्रधानमंत्री को वोट डालने के लिए सब उत्साहित है कि तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री हम देखना चाहते हैं। ये थे सीएल ठाकुर जी, जिन्होंने जो है लोकसभा चुनावों को लेकर जो तैयारी है उसके बारे में बताया। धन्यवाद।